Assalamualaikum and welcome to Super Special. You know what's the best part? जब कल मिसबाह हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं वेट कर रही थी कि जो अगले दिन हेडलाइंस होती है ना वो बहुत मजे की होती है. तो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो हमारे साथ भी हैं आज, तो उनसे भी हम डिटेल्स लेंगे कि भाई खबर ये है कि सरफराज जो है उन्होंने इनकार कर दिया था 30-20 खेलने से. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट कि यूनुस खान ने उनको कन्विंस किया, मिसबाह ने भी इसके बारे में बात की. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. बट कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो मुद्दा था या जो उसका एक पूरा मीट है वो यही है कि मिसबाह ने बोला है कि जब उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया एवरी द टीम वाज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग. सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज गोइंग वेल फ्रॉम व्हाट आई सी. और उन्होंने अब ये भी बोला है कि एज कुछ भी नहीं है, बट नंबर शुएब एंड हफीज आर गोइंग टू बी प्लान जो कि आप कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर आप सीनियर्स को खिला लेते हैं. हम ये नहीं कहते कि एज लिमिट होनी चाहिए, बट परफॉर्मेंस जरूर मैटर करनी चाहिए. तो और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपने पैनल से. अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बख्त ने भी ज्वाइन किया है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद. फातिमा आप बिस्मिल्ला कर रही हैं? बिस्मिल्ला हम लोग करते हैं, मगर सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कल मिसबाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला. सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर व्हाट हैपेंड. आपके कंसर्न्स होते हैं जो आप पूरी सीरीज में लास्ट मैच खेल रहे हैं, तो आपको ये होता है कि ऑब्वियसली कोच 19-20 हो जाए तो आप पे एक एडेड प्रेशर होता है. तो आई थिंक ये नेचुरल सी चीज़ थी, तो वो मुझे पता था कि ऐसी चीज़ होगी. बट मैंने और बाबर ने यूनुस ने भी बात की सरफराज से सवाले से कि तुम बिल्कुल फ्री माइंडेड होके खेलो, तुमने इतनी मेहनत की इस टूर पे तो तुम्हें एक मैच खेलना चाहिए. दैट्स हाउ वी सी इट. और कोई प्रेशर नहीं लेना तुमने इस चीज़ का कि इसकी कोई परफॉर्मेंस 19-20 हो जाएगी तो हम ये आगे के लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस इससे चेक करेंगे. यू आर स्टिल पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर प्लान्स. तो उसको प्रॉपर तरीके से कन्वे करके मैच खिलाया एंड ही वाज हैप्पी उसके बाद. तो बस ये चीज़ थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसने कोई इनकार किया. ऑब्वियस ये नेचुरल सी चीज़ थी जो कंसर्न मैं भी होता, कोई भी प्लेयर होता उसके होने थे. आई थिंक हमें ज़रूरत थी कम्युनिकेट करने की और हमने उसको कम्युनिकेट किया. राइट, तो मिसबाह ने क्या बोला है सरफराज इशू के बारे में ये आपने सुन लिया. हम सीधा चलते हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी के साथ पास. भट्टी साहब, तो बेसिकली जो आपने आज मैं आपकी स्टोरी पढ़ी थी उसमें ये था कि सरफराज ने इनकार कर दिया था कम्प्लीटली कि वो ये थर्ड T20 खेलना नहीं चाहते. फिर हमारे जो बैटिंग कोच हैं यूनुस खान, उन्होंने उनसे जाके बात की. तो क्या है बैक स्टोरी, क्योंकि मिसबाह कह रहे हैं कि सरफराज प्रेशर फील कर रहे थे, तो मे बी वहाँ एक ये भी ऐड कर दिया था भट्टी साहब उन्होंने कि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता. अच्छा फातिमा, एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन ये देनी है कि ये बात मिसबाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की. ये मैंने अलग से उनको एक क्वेश्चन भेजा था जिसका उन्होंने मुझे जवाब दिया जो अभी आपने सुनाया. तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर बात है. ठीक है, हुआ ये कि मैच शुरू होना था यूके टाइम पर शाम 6 बजे, पाकिस्तान टाइम पर रात 10 बजे. तो जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सरफराज को नहीं पता था कि मैंने आज मैच खेलना है, क्योंकि 3 टेस्ट मैच और 2 T20 जो थे वो रिजवान खेल गए थे, और रिजवान को इसलिए खिला रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से रिजवान मैन ऑफ द सीरीज थे टेस्ट सीरीज में. और पाकिस्तान जब 1-0 डाउन था तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये जहन में था कि रिजवान ही खेलेंगे, जो यहाँ मीडिया में भी आता रहा कि सिर्फ एक चेंज होनी है, वहाब रियाज खेलेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर अनफिट हैं. और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हैदर अली को भी 1-2 घंटे पहले बताया, आफ्टरनून में, दोपहर में, बल्कि आफ्टरनून में नहीं, दोपहर में एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें सरफराज तकरीबन 2.5-3 घंटे उन्होंने नॉर्मल प्रैक्टिस कर ली. जो टेस्ट टीम के लड़के थे उनको पता था कि आज मैं मैच नहीं खेलूंगा. अब सडनली मैच से कुछ घंटे पहले जब उनको ये इत्तला दी गई कि भाई आज आपने खेलना है, तो एक बंदा जो ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग कर बैठा है और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, 11 महीने पहले उसने पाकिस्तान को लास्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था. तो सरफराज का जो मौकिफ था जो मिसबाह भी बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार आखिरी मैच आप मुझे खिला रहे हैं, ऐन वक्त पे बता रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता मेरी परफॉर्मेंस में कुछ हो गया, और हुआ परफॉर्मेंस में कि उन्होंने मोइन अली का कैच ड्रॉप कर दिया. तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को मिसबाहुल हक ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उम्र की बात की, ठीक है मिसबाहुल हक खुद भी 43 की एज में खेलते रहे, लेकिन
टीम मैनेजमेंट को मेरा ख्याल अपने क्लियर कट माइंड के साथ आना चाहिए। जिन लड़कों को खिलाना है, अगर आपको दानिश याद हो, हम एक प्रोग्राम में फवाद आलम का भी हमने जिक्र किया था। फवाद आलम को भी सुबह पता चला कि वो 10.5 साल बाद, 11.5 साल बाद पाकिस्तान टीम में कमबैक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जब सरफराज ने अपनी रिजर्वेशंस दिखाई, उसको टीम मैनेजमेंट ने माना, फिर यूनुस खान जो थे वो कन्विंस करने में कामयाब हुए और मिसबाह ने यही कहा कि ठीक है आप खेल जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये आपका आखिरी मैच हो, आप हमारे फ्यूचर प्लान में हो। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है सिकंदर, आपको लगता है कि कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है हमारी टीम मैनेजमेंट में कि हमारा फ्यूचर का प्लान क्या है? हम यंगस्टर्स को डेवलप करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको मौका देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, वो 15 में सेलेक्ट होते भी हैं तो मैच नहीं खेल पाते, सरफराज की हैंडलिंग, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की गई दो दो विकेट कीपर्स को रखकर? या तो आप फैसला कर लेते जी आप सरफराज के साथ जाएंगे या फिर आप रिजवान को ही खिला देते तीनों मैचेस। देखो जो उनका जो स्टेटमेंट है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता कि ना हमारे पास कोई स्पिनर्स हैं, ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर, कोई राइट आर्म लेग ब्रेक, कोई मतलब है कि यासिर के अलावा या शादाब के अलावा, शादाब को हम पूरा फुल स्पिनर नहीं समझते, कोई भी नहीं है ना हमारे पास कोई ऑलराउंडर्स हैं। किस तरह आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मगर जो सबसे अभी जो भट्टी साहब ने स्टोरी सुनाई है उसके हिसाब से जो सबसे गलत बात है किसी भी टीम मैनेजमेंट की, कोई भी कोई हो, कि आपको आखिरी वक्त में नहीं बताया जाता, जब तक कि खुदा ना करे कोई अचानक किसी को इंजरी ना हो जाए, कि आपके ये 11 लड़के हैं आपको कम से कम एक दिन पहले उसको ज़रूर बताना चाहिए। और ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी क्रिकेट के लिए जितनी कप्तानों के साथ रहा, हमेशा एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि यार कल आप खेल रहे हो तो आप गेट रेडी, तो वो मेंटली तौर पे बंदा तैयार होता है, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस काम, इसलिए कि कई दफ़ा होता है कि जब आप ग्राउंड के अंदर जा रहे होते हैं गर्मी ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा अपने आप को थकाते नहीं हैं, आप कोशिश करते हैं एनर्जी सेव करके अंदर जाएं, जो कि सरफराज के साथ हुआ। तो ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो हैदर अली हो चाहे आपके सरफराज हो, उनके साथ ये गलत हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो कन्फ्यूज़ थी, या तो उनके ऊपर प्रेशर आया होगा या वो प्रिपेयर नहीं थी या उनसे सिख भाई वो तो कह रहे हैं हम सोशल मीडिया तो देखते नहीं, हम तो अपनी टीम बनाते हैं, ये भी कल मिसबाह ने कहा। गलत कह रहे हैं, आप कोई चीज़ कह दें, वो मैंने जो कई दफ़ा खबरें सुनी कि हम यहाँ पर अगर कोई इशू हमने कोई बात कही हो वो फॉरन ड्रेसिंग रूम में अंदर सर्कुलेट करने लगती है, तो वो कैसे सर्कुलेट, वो इंसिडेंसेस भी होते हैं ना फिर तो। हाँ, सोर्सेस होते हैं, घर वाले बता देते हैं, कोई उनको खबरें तो सारी पहुंच रही होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है वो, मेरे हिसाब से मिसबाह अगर थोड़ी सी भी अक्लमंदी करें, हमारी एडवाइस लेना चाहें, तो वो अपने आप को सिलेक्शन से अलग कर दें और एक जगह फोकस करें, मुझे यकीन है कि वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या थोड़ा सा अब मेरा जो कंसर्न है, चले वर्ल्ड कप से पहले तो मिसबाह अश्योरिटी दे रहे हैं कि हम लोग 15 प्लेयर्स तैयार कर देंगे, अभी आपने कीवीज के खिलाफ खेलना है, मुझे तो वहाँ डर लग रहा है कि आप उससे पहले अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है कि हुज़ पार्ट ऑफ योर प्लान, हुज़ नॉट पार्ट ऑफ योर प्लान, हैदर है फिर दूसरी तरफ वहाब है, तो ये अभी तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही और टाइम भी अब कम रह गया है। पहले तो फातिमा आपको एक बार फिर वेलकम बैक विद दानिश एंड माजिद भट्टी साहब और सिकंदर बख्त साहब, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आप मेरे लिए पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं या माजिद भट्टी साहब की स्टोरी पर डिस्कस करूं, दोनों जो आपका दिल कहता है। दोनों कह सकते हैं, इजाजत है। अच्छा, 34 मिनट और 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर मिसबाह उल हक की देख सकती हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तो कुछ भी नहीं मिला और मैं बड़ा हैरान हूँ कि मिसबाह उल हक साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से, एक साल की परफॉर्मेंस सबके सामने मौजूद है जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, नवश्ता दीवार है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और ये कारकर्दगी बता रही है कि पाकिस्तान टीम की तरह स्टैंड कर रही है, लेकिन जिस अंदाज में मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं मेरे समझ से बाहर है और बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं है क्रिकेट बोर्ड की, जिस तरह इस तरह मिसबाह उल हक साहब की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर मैं आपके साथ इनकी परफॉर्मेंस को शेयर करूं, एक साल की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अगर मिसबाह उल हक साहब कल फरमा रहे थे कि जब मैं आया तो पाकिस्तान T20 क्रिकेट में डिप कर रही थी, अब फातिमा किधर डिप कर रही थी पाकिस्तान टीम? मिसबाह उल हक ने जब पहली सीरीज खेली है उसके बाद ही पाकिस्तान की नंबर एक पोजीशन जो है वो गड़बड़ाती गई थी। उसके बाद अगर मैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखता हूं तो 2 टेस्ट मैच उनकी कोचिंग में पाकिस्तान जीता है, 3 हारा है, 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं।
ओडीआई दो पाकिस्तान जीता और दोनों में ही जो थे वो सरफराज अहमद कप्तान थे और वो कहीं नहीं है। तीन टी20 पाकिस्तान जीता है, छह आ रहा है और दो टी20 नो रिजल्ट रहे हैं। मिसबाह उलक कह रहे हैं ये सब ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सरफराज की स्टोरी की तरफ। देखिए, इस टूर के दौरान एक बड़ी अजीबो गरीब सी चीज हुई और वो अजीबो गरीब सी चीज ये थी कि इस टूर पे मैच से पहले कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर सुबह मैच हो रहा है तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई कि खिलाड़ियों को बताया जाए कि आप खेल रहे हैं और आप खेल रहे हैं। जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बताया कि फवाद आलम को नहीं पता था कि वो सुबह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। लेकिन जो सरफराज अहमद की स्टोरी है, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन स्टोरी है, क्योंकि सरफराज अहमद सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। सरफराज अहमद इनकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन उसके ऊपर तड़का लगाया मिसबाह उल हक ने कि जी हमने सरफराज अहमद को जो है श्योरिटी दी। मिसबाह उल हक को तो अपने करियर का नहीं पता कि वो पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में कोच होंगे, चीफ सेलेक्टर होंगे या नहीं होंगे, तो वो सरफराज को कैसे श्योरिटी दे सकते हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। फिर दूसरी बात ये, जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम ने आखिरी टी20 मैच खेला है, उस टी20 मैच से पहले पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन नहीं था, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। जिसको जाकर प्रैक्टिस करनी थी वो कर सकता था, जिसको जाकर नहीं करनी थी वो नहीं कर सकता था। लेकिन एक और पाकिस्तान टीम के बड़े सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने मिसबाह उल हक को इस बात पर कन्विंस किया था कि भाई आखिरी मैच में आप सबको खिला दें। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि यूनुस खान का इस तमाम कॉन्वर्सेशन में कोई किरदार नहीं था। और मिसबाह उल हक साहब जो खुद इस बात का जो है वो खुलासा कर रहे हैं कि जी सरफराज अहमद के कंसर्न अपनी जगह मौजूद थे, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि सरफराज अहमद किस तरह मना कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, वो टूर के ऊपर मौजूद है और आपका चीफ सेलेक्टर हेड कोच एडमिट कर रहा है कि जी उनको कुछ खदशात थे। इसका मतलब ये कि सरफराज अहमद को तो मैं साइड पर रख रहा हूँ, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। आपका हेड कोच चीफ सेलेक्टर है कि इतना कंफ्यूज है, तो आपकी टीम किधर स्टैंड करती है मेरे समझ से बात। नहीं, एक्चुअली ये जो डिसीजंस भी हो रहे थे प्लेइंग 11 के, भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगा, इसमें भी काफी कंफ्यूजन थी। अगर मिसबाह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि हम मसाइल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो पिछली मैनेजमेंट के मसाइल थे, तो वो मसाइल को आपने खुद ने टीम में रखा हुआ है ना। फखर जमान की परफॉर्मेंस अगर डिप कर गई है तो आपने टीम में रखा हुआ है, आप रिप्लेस नहीं कर रहे। हैदर अली जैसे टैलेंट मौजूद है फिर भी रिप्लेस नहीं कर रहे। आप शादाब खान की परफॉर्मेंस से मुतालिक कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस डिप कर गई थी, आपने क्यों नहीं कोई नया स्पिनर ट्राई किया। आप क्यों ये कहते रहे कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं, ये कहना तो ज्यादती है ना भट्टी साहब। बिल्कुल ज्यादती है दानिश, जो सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, बात वही है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है। इन्होंने कहाँ जाना है, 2021 में टी20 वर्ल्ड कप है, इनको नहीं पता कि उस जर्नी में कौन हमारे साथ होगा। 2022 में टी20 वर्ल्ड कप भी है और 50 ओवर का भी वर्ल्ड कप है। देखिए, जो सबसे एक कंसर्न की बात है, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया, चेयरमैन ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया मिसबाह उल हक की परफॉर्मेंस पर। अच्छा भट्टी साहब, एक मिनट, जगह ये भी पढ़ा तो ने बोला अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी, मिसबाह की भी होगी, क्या वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी? अच्छा फातिमा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी करनी थी, रिकमेंडेशंस देनी थी, इकबाल कासिम रिजाइन कर गए। अब नया चेयरमैन अपॉइंट होगा, क्रिकेट कमेटी का नया चेयरमैन अपॉइंट होगा, वो रिकमेंडेशन देगा और जो नया चेयरमैन आएगा क्या पहले ही मीटिंग में वो हार्ड हिटिंग किस्म का पोस्टमार्टम करेगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। मेरा एक सवाल है भट्टी साहब से, भट्टी साहब आपके इतना एक्सपीरियंस है, क्या ये क्रिकेट कमेटी का कोई मकसद है? एग्जैक्टली, मैं भी इसी पे आ रहा था क्योंकि देखिए अख्तियारात भट्टी साहब इनके पास महदूद ही है, ये इनका मकसद क्या है? ये जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अंडर क्यों नहीं कर सकता, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता? देखें, चेक एंड बैलेंस रख सकता है, लेकिन उन्होंने अपने सर से बला को टालने के लिए ना दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व किया है। हालांकि इस डेढ़ साल के अरसे में, पौने दो साल के अरसे में क्रिकेट कमेटी कंट्रोवर्शियल बन गई है। पहले मोहसिन खान बने, फिर उसके बाद वसीम खान बने, अब इकबाल कासिम बने थे, छः छः महीने में सब रिज़ाइन कर गए। मसला ये है कि हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन और CEO, जाहिर है हमारे तो इस कल्चर में उनका इतना रोल नहीं है, ना बाहर से आए, तो ये ICC में जो क्रिकेट कमेटी है ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लेकर आए, और इस क्रिकेट कमेटी का रोल भी एडवाइजरी रोल है। ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेट कमेटी कहेगी कि मिसबाह उल हक को हटा दो तो मानी साहब हटा देंगे, बस वर्बल इनपुट जैसे होती है। हाँ, मेरे ख्याल में इन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये सारा कुछ किया। अच्छा, थोड़ी सी बात जो याया बात कर रहे थे कि यूनुस खान का रोल नहीं है, यूनुस खान का बिल्कुल रोल था, और ये मेरी स्टोरी में भी मैंने ये बात दी, और वो मिसबाह उल हक भी एडमिट कर रहे हैं कि यूनुस खान ने उनको कन्विंस किया सरफराज को
अगर हमारे प्रोड्यूसर चाहें तो वो अगर दोबारा ऑडियो सुनवा दें तो याहिया का मेरा ख्याल जो यूनुस खान के बारे में बात कह रहे हैं, लेकिन दो आदमी से मुतालिक कह रहे थे सरफराज के बारे में, बिल्कुल सरफराज को जिन लोगों ने मैच के लिए कन्विंस किया, सरफराज का यही था कि अगर मैंने मैच खेलना था तो आप तो कह रहे थे कि रिजवान नंबर वन हमारा विकेट कीपर है, तो रिजवान तो पिछले मैच में विकेट कीपिंग अच्छी की, उसकी बैटिंग दोनों मैचों में आई नहीं, फिर क्या हो गया कि मुझे अचानक आप कह रहे हैं कि आप आज मैच खेल रहे हैं, या तो पिछला डिसीजन आपका गलत था या आज डिसीजन गलत था। डेफिनेटली भट्टी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसकी यूटिलिटी क्या है। अनडाउटेडली रिजवान इज अ वेरी गुड विकेट कीपर, इस बारे में बात कर लेते हैं फातिमा एक ब्रेक लेने के बाद। हाँ, बिल्कुल, एंड यू नो बहुत सारे लोग जो सरफराज की भी फैंस है वो बोलते हैं कि सरफराज नॉट अ विकेट कीपर, व्हाट्स हिज रोल नाउ, तो इस पे भी थोड़ी सी जो सीनियरिटी कहते हैं ना हमें, एक प्लेयर टीम में सीनियर होना चाहिए, तो वो सीनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आए सरफराज, कुछ फील्ड प्लेसमेंट ऐसी उन्होंने करवाई वहीं पर, क्या आया कुछ बॉलर्स को काम डाउन किया, तो ये एक सीनियर का रोल था जो वो प्ले कर रहे थे। Do we need someone like that in the team? Of course we do, and I think we should. But ये हमारी अपनी बातें हैं, but हमारे अपने you know हमारे experts क्या बोलेंगे, we'll find out after break. और break के बाद जरूर इस बारे में बात करेंगे। मिसबा ने बोला है कि जो मेरे critics हैं, वो अब कोच बन गए। कोई बात नहीं, मिल बैठ के काम करेंगे। We'll talk about that after break. Stay with us. Welcome back once again to Super Special Break. जाने से पहले हम मिसबा उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे, एनालिसिस शामिल कर रहे थे। सिकंदर बख्त, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में विकेट कीपर कौन होना चाहिए, कोई शक नहीं है सिकंदर, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, रिजवान इज एन एक्सेप्शनल विकेट कीपर, लेकिन क्या वो एक T20 क्रिकेटर के तौर पर बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, या आप एक सीनियर सरफराज अहमद के साथ जाएंगे जिन्होंने एक मैच खेला, हाँ एक कैच भी छोड़ा, 11 महीने बाद खेल रहे थे, लेकिन अपना रोल प्ले किया जो उनका रोल है सीनियर, आप किसके साथ जाएंगे? देखो, जब इंग्लैंड का टूर हो रहा था, मैं इसलिए सरफराज को उससे पहले, अगर आपको याद हो, मैं कह रहा था कि जी इनको तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वो खेल ही नहीं रहे। एग्जैक्टली राइट। उसके बाद जब वो टीम के साथ गए, तो फिर मेरा ये प्ली था कि जब वो टीम के साथ हैं तो ही हैज अ राइट टू प्ले। वे टीम के साथ है ना, पानी भी पिला रहा है, वहां पे बैठा हुआ भी है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो ही हैज द राइट टू प्ले। मगर उसके ऊपर थोड़ा सा इशू हुआ, चले वो भी छोड़ दें, मगर रिजवान बहुत अच्छा खेला टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसने कीपिंग आउटस्टैंडिंग की, ओके वेल डन, बैटिंग फंस कर खेला जिस तरह के एक टेस्ट क्रिकेटर को खेलना चाहिए उस तरह खेला, विदाउट एनी डाउट वेरी वेल डन। बिल्कुल, क्या उसकी वो जो बैटिंग है वो सूट करती है छोटे फॉर्मेट पे, हमें ये देखना है। कोई जरूरी नहीं होता, इंग्लैंड को देखें कि वो उनका जो विकेट कीपर टेस्ट का है वो दूसरा है, बटलर है ना शायद, और वहाँ पे चले जाते हैं जब वो T20 वगैरह में उनका कोई और था, ब्रेस्टो था, तो वहाँ पर भी तो चेंज आता है, एक आदमी का स्टाइल ऑफ बैटिंग होता है, तो ना मेरे हिसाब से जो छोटा फॉर्मेट है उसमें रिजवान की बैटिंग सूट करती है ना सरफराज की। देखें, अगर आपके पास मलिक जैसा बैट्समैन, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था आखिरी दिन में, आखिरी मैच में, कि जी शादाब को भेजा गया, फिर इमाद को भेजा गया, बताएं जरा, फिर किसी और को भेजा गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तो सरफराज को, इसका मतलब है सरफराज केपेबल नहीं है, मलिक साहब केपेबल नहीं है, भाई उनको आना चाहिए था ना, फिर वो मलिक साहब का फायदा क्या है टीम में, जब टीम कोलैप्स करेगी कभी तो 6 आउट हो जाएंगे तो मलिक साहब 50 करेंगे, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। कितना बोलते थे, आई थिंक एवरी शो में बोलते सरफराज को पूरा के खेलना चाहिए, सर वो खुद भी नहीं खेलना चाहते थे। बिल्कुल, हमें जो है देखें, हमें अभी जो पिछले दिनों बात हो रही थी कि जो नए सेलेक्टर्स बन गए, कोचेस बन गए, देखें क्रिकेटर्स को ही बनना है, कोई और नहीं बनेगा, कोई ऐसा आदमी जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो नहीं बन सकता कोच, बनना क्रिकेटर ने, मगर द ओनली थिंग इज कि वो डिलीवर कैसे करते हैं, ईमानदारी से सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी मैं इतनी स्टोरियां मेरे पास आ रही हैं, कोई कह रहा है फलां को नहीं लिया, कोई कह रहा है रिश्तेदार को ले लिया, अब वो सारी कहानियां हैं, अब ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अगर सारे कोचेस मिलके ईमानदारी के साथ टीम सेलेक्ट करके 11 लड़के खिलाते हैं और अच्छे लड़कों को रेकमेंड करते हैं तो बस काम हो गया। हमें यही चाहिए, हमें कौन सा कोई ऐसा 30 मार खान चाहिए कि जो पूरे मैच विनर्स दे दे, आप अपनी ईमानदारी से काम करें, आप पे कोई इल्ज़ाम ना है, बात खत्म। लेकिन दानिश, एक छोटी सी बात ये है जी भट्टी साहब, कि हमारा नेशनल T20 हो रहा है 30 तारीख से, हमारे जो 3 मेन प्लेयर हैं बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, इमाद वसीम, तीनों अवेलेबल नहीं है। हमारे जो बॉलिंग कोच है वकार यूनुस अब सिडनी चले गए अपनी फैमिली के पास, बल्कि अभी तो क्वारंटाइन में है, तो ये जो टैलेंट हंट है
ये कौन करेगा, बॉलर्स को कौन तलाश करेगा? अनफॉर्चुनेट बात है ये, या इसी को सवाल में कन्वर्ट करके आपकी तरफ आऊंगा, कितना अनफॉर्चुनेट है कि इमाद वसीम उस तरह से पाकिस्तान के लिए विकेट नहीं लेते जिस तरह हमारे स्पिनर्स माजी में लेते आए हैं, फिर भी हम उनको नेशनल लेवल पे नहीं खिलाते, वो खेलते नहीं हैं, जो खेल कर परफॉर्म करते हैं हम उनको पिक नहीं करते हैं, तो इससे बड़ी नाइंसाफी तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आई डोंट थिंक हो सकती है। और फिर आप इवेंचुअली ये कहते हैं उस पूरे टूर्नामेंट के बाद कि हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है। अच्छी बात की दानिश आपने और दुरुस्त बात आपने की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक से पहले भट्टी साहब के नुकसान की बात कर रहे थे उसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है और जो उन्होंने मिसबाह-उल-हक की गुफ्तगू का हवाला दिया उन्होंने बिल्कुल सहाफती तकाजों को पूरा किया, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो यही कहता। लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट भट्टी साहब से भी यही कहूंगा और सिकंदर बख्श साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया है और मैं आपको ये बताऊं कि मिसबाह-उल-हक ही होल एंड सोल इंचार्ज थे, न टेस्ट टीम को बनाने के वक्त यूनुस खान का वक्कार यूनुस का कोई रोल था। बड़ी दिलचस्प आपको मैं बात बताऊं कि जब शादाब को पहले टेस्ट मैच में खिला रहे थे तो सिर्फ डिसाइड किया था अजहर अली एंड मिसबाह-उल-हक ने और उन्होंने यूनुस खान को सिर्फ बताया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, यूनुस खान ने कहा बिल्कुल ठीक है आप जाइए गो हैड। और जहां तक ये सरफराज वाली बात है उसमें भी यही एसओपी को फॉलो किया गया। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो माजिद भट्टी साहब ने अभी बात की कि आपके तीन की प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है, आपके बॉलिंग कोच पाकिस्तान में नहीं है, मैं तो कल मिसबाह-उल-हक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था, बड़ा हंस रहा था। वो हवाला दे रहे थे बार बार कि जी हमने दूसरे T20 में 190 किए, तीसरे T20 में फिर हमने 190 कर दिया। अगर उसमें से आप मोहम्मद हफीज को निकाल दें जी, जो कि पूरी इंटेंशन के साथ पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, आप अगर उनकी परफॉर्मेंस आप निकाल दें तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दानिश, आप अभी बात कर रहे थे कि हम क्यों इमाद वसीम को बार बार खिला रहे हैं, मिसबाह-उल-हक बार बार बात कर रहे थे हमने पावर हिटिंग की, कौन पावर हिटिंग कर रहा था आपको, तो पावर हिटर तीसरे मैच में मिल ही नहीं रहा। और या यही मेरा आपसे एक और सवाल भी है कि हम रिलाय किस पे कर रहे हैं, हम नंबर 4 पे शादाब खान पे रिलाय करना शुरू हो गए, नंबर 5 पे इमाद वसीम पर रिलाय कर रहे हैं, क्या आप इन पर कंसिस्टेंसी के साथ रिलाय कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। खुशदिल वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन, वाकई पावर हिटिंग तो मशहूर है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, ये दोस्त एक सीनियर साफी इधर बैठे हुए हैं, एक इधर सिकंदर बख्शा बैठे हुए हैं, 10 साल हो गए उनको जियो न्यूज के साथ एसोसिएशन के हवाले से और वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं चीजों के ऊपर। मुझे ये बता रहे हैं मिसबाह-उल-हक कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दौरा था जी। हमने इस दौरे में बहुत अच्छे खिलाड़ियों को फाइंड, कौन सा खिलाड़ी फाइंड किया है आपने? आपने तीन फास्ट बॉलर तीनों टेस्ट मैच में खिलाए, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, नसीम 3 विकेट हैं, शाहीन 5 विकेट हैं, अब्बास 7 विकेट हैं, आप उनको तीनों टेस्ट मैच में रगड़ते रहे। आपने एक हैदर अली को आखिरी मैच में मौका दिया और अगर उनको बाउंड्री लाइन पे वो जंप करके कैच कर लेते इंग्लैंड के खिलाड़ी तो शायद हैदर अली, फिर मैं पूछता कि वो मिसबाह-उल-हक कह रहे हैं कि यार हमने कोई सोशल मीडिया को देख कर नहीं खिलाया हैदर अली को। और बाय द वे मैं सिकंदर बख्श साहब को थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जोस बटलर को नहीं खिलाया था लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में वो 2 विकेट कीपर के साथ खेल रहे हैं, जोस बटलर भी खेल रहे हैं और जॉनी बैरिस्टो भी खेल रहे हैं। तो मेरे लेकिन यही आज जो थर्ड T20 हो रहा है उसमें उन्होंने फिर बटलर को रेस्ट करा दिया। हाँ भट्टी साहब, इसलिए रेस्ट करा दिया कि वो जीत गए, लेकिन बहरहाल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ना तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीडिया को फेस करते हैं, ना चीफ एग्जीक्यूटिव फेस कर सकते हैं, ना डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी जो 12,50,000 रुपए ले रहे हैं और वो आके मीडिया को फेस करने के लिए तैयार हैं। मिसबाह-उल-हक कहानी सुनाकर चलेगा कि ऑल इज वेल, अगर हम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाई ये कौन सी डायरेक्शन है जरा हमें भी बता दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। सिकंदर बख्श बार बार ये बात अगेन, या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में दानिश, अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वो जो उमर खान है कराची किंग्स के उनको खिला दें और जितने नए लड़के हैं आमिर यामीन सर 11 की टीम बना सकते हैं, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल। लेकिन जो माजिद भट्टी साहब ने पॉइंट रेस किया है 100% नहीं 1000% बिल्कुल दुरुस्त है। आप T20 कराने जा रहे हैं, आपकी की प्लेयर नहीं है, आपके बॉलिंग कोच नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी तरफ आऊंगा मैं, वो काउंटी खेल रहे हैं अब, बट सिकंदर आपकी तरफ आऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्ट जो सीरीज थी उसका भी थोड़ा बहुत जायजा लें। या कह रहे थे कि आपने तीनों मैचेस एक ही पेस बैटरी के साथ खेल लिए, लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं नसीम शाह पर, 7 मैचेस उसने अभी तक खेले हैं, क्या उस पर इतनी तनकीद बनती है? नसीम शाह को नया बॉल क्यों नहीं मिलता? क्या उसको सही गेम प्लान दिया जा रहा है? क्या उसको सही दिमाग
बनाकर खेलने का कहा जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक 17 साल का लड़का है सिकंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि वकार यूनुस उनको गेम प्लान दे एक नई बॉल के साथ और उसको फॉलो ना करें? या देखो जो अभी याया कह रहे थे ना, मैंने तो पहले ही अपने जो मेरा कमेंट था उसमें यही कहा कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही, मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन नज़र आ रही होती। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो नसीम खान साहब हैं या मानी साहब हैं, उनको चाहिए था कि एक डायरेक्शन उनको दे के जाते कि जी मुझे विद इन अ मंथ, मैं होता तो मैं कहता एक साल के अंदर मुझे 2-3 ऑलराउंडर दिखा दो, मुझे स्पिनर्स की एक लिस्ट दिखा दो, मुझे ये अभी ये जो नए सेलेक्टर्स आए कम से कम उनको दे दें, हमसे शेयर करेंगे जी हमने उनको ये टारगेट्स दिए कि इस सीज़न में आपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 ऑफ स्पिनर, 2 नए लेग स्पिनर, 2 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर बैट्समैन, 2-3 ये निकाल कर हमें रख दें कि जी ये 6-8 लड़के आ गए हैं, आप इनको अब आप ग्रूम करना शुरू करें। अब जो 3 फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, मुझे बड़ा मजाकेस लगा कि आपने अभी कुछ कमेंट दिया था कि मिसबा ने कहा कि जो पुरानी टीम मुझे मिली है जी ऐसे बोला था ना, अगर आप सियासत में देखें तो हर चीज़ में यही बात होती है कि हमें विरसे में मिला है, मैं भी यही सोच रहा था। तो मिसबा ने भी वही चीज कही जो कि हमारे सियासतदान कहते हैं। तो जो 3 फास्ट बॉलर थे ना हमारे पास चॉइस, इसके बाद सुहेल खान की थी, सुहेल खान उनके प्रोग्राम का तो हिस्सा ही नहीं था, उसको तो लेकर गए थे कि चलो प्रैक्टिस कराएगा और वहां पे उसने आउटस्टैंडिंग 2 स्पेल कर दिए जहां पे उसने 2-2, 5-5 आउट किए, मगर उसको उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वो चाहते अगर नसीम कह रहे वो तो इस वजह से था कि उस दिन कंडीशन ऐसी थी, नहीं नसीम शाह की नहीं, नसीम कहा था मेजबान ने, नहीं दानिश नॉट इन दैट टोन आई एम गेसिंग। और वो क्या बात थी दानिश की, 5 मिनट में वकार यूनुस ने सुहेल खान को कुछ चीज सिखा दी थी। जी 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 हां, सीम करना यार, मैं ये कह रहा था कि नसीम शाह की कुछ गेंदें वाकई ही सुपर गेंदें थी जी, जो एक बहुत ही अच्छे बॉलर की गिननी चाहिए, नया बॉलर मिलना चाहिए उसको रेगुलरली सिकंदर, खास तौर पे हाँ रेगुलर होना चाहिए, जैसे कि वो एक ड्रीम बॉल होती है ना, मैं जब फास्ट बॉलिंग करता था तो उस वक्त एक ड्रीम बॉल होती थी, गेंद पड़े मिडिल स्टंप पे टक करके बाहर निकले और गेंद स्लिप में लगे या विकेट कीपर बड़ा जबरदस्त कैच पकड़े, रिजवान ने बड़ा अच्छा कैच भी पकड़ा था शायद उसके ऊपर, ऐसी बॉल उसने 2-4 की, मगर वो रेगुलर नहीं था, वो एक चैनल पे नहीं था, थोड़ा कभी वो पीछे हो जाता था कभी वो ज्यादा आगे हो रहा था, तो वो ये 3 बॉलें थी, तीनों पर उसको विकेटें मिली हाँ, और पूरे 3 टेस्ट मैचों में उसने ये 3 ही बॉलें की, सुपर गेंदें, मैं तो कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग, जो एक ड्रीम, जैसे डेनिस लिली का उनको खिताब, डेनिस लिली का तो खैर जंप ही बहुत ऊंचा था, उसका तो हर गेंद ही यहाँ जाता था, बट वी ऑलवेज से डोंट कंपेयर इट टू डेनिस लिली, आपको पता है लोगों ने शुरू कर दिया था, बेचारे को टाइम देना चाहिए जरूरी है, नसीम लिली और अब्बास के लिए मैं जरूर कहूंगा कि देखें अब्बास, एक मैं उसको फास्ट बॉलर मानता ही नहीं जिसके ऊपर विकेट कीपर खड़ा हो जाए, वो कैसा फास्ट बॉलर हो सकता है कि विकेट कीपर ऊपर चढ़ के खड़ा हो, हिज मतलब मीडियम पेस से भी नीचे है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नया बॉल वो आउटस्टैंडिंग करते हैं, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है, गेंद हिल रहा, जैसे ही गेंद पुराना होता है बॉलर उसके ऊपर वॉक करके खेल सकते हैं, इसीलिए विकेट कीपर ऊपर आ जाता है। जब एक हमारे बचपन में जब हम खेला करते थे तो एक फास्ट बॉलर होता था, उसके ऊपर विकेट कीपर चढ़ के खड़ा होता था, कहता भाई हम लोग सॉरी लैंग्वेज में, स्ट्रीट लैंग्वेज में, यार ये क्या था फास्ट बॉलर है, मैं समझा पता नहीं क्या कहने वाला था, हम कहते ना वो एक लफ्ज होता है अब ये कह देते सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो शुरू में आप अब्बास को देख रहे होते हैं दैट लाइन एंड लेंथ एंड यू लाइक ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग, बट मगर आप बाद में फंस जाता है, हां बाद में जस्ट वी एज फैंस हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन होती है देख के यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम, बट एनीवे आप लोग टेस्ट क्रिकेट बात करें, विल टेक अ क्विक ब्रेक, पर ब्रेक के बाद दानिश आई डू वांट टू टॉक अबाउट असद शफीक एज वेल, बहुत जरूरी है हां कि असद शफीक के बारे में मिसबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बैड फेज है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं T20 में भी और टेस्ट में भी और वनडे में भी जो एक स्टैंड स्टिल पे हमें नजर आ रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि पास की पता नहीं कौन सी फॉर्म्स की बेसिस पर अभी भी टीम में जगह बनाए हुए हैं, एंड नो डाउट असद यू नो टेक्निकली डेफिनेटली अ ग्रेट बैट्समैन, बट यू नो ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, बट दीस प्लेयर्स नाउ नीड टू प्ले डोमेस्टिक एंड देन मेक अ स्पेस इन द टीम, राइट वेलकम बैक टू सुपर स्पेशल, सीधा याया के पास ही चलते हैं, याया आपसे डिस्कस करते हैं अबाउट असद शफीक का, जो कल मिसबा ने बोला था कि यू नो असद पे एक बुरा फेस चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, सो इट सीम्स लाइक असद विल बी पार्ट ऑफ द प्लान राइट? देखें यूसुफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच बनाया गया है और
कोई मिसबाह उल हक ने ये तो मान लिया कि जो कोचेस बने हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में मसरूफ थे बायोसी के और माहौल में, नदीम खान ने उनसे बिल्कुल कंसर्न नहीं किया और उन्होंने एक बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जी वो जो लोग मेरे खिलाफ तनकीद करते थे मैं उनके साथ काम करूंगा, मैं प्रोफेशनल हूँ। कितना काम करेंगे हम भी देखेंगे और कितना मिलजुल कर काम करेंगे ये हम भी देखेंगे। दूसरी जो बात वो कर रहे थे कि मैं जो बात कर रहा था कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया गया है, अभी ये दौरा खत्म हुए हुए आज चौथा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, इंग्लैंड का। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यूसुफ के पास फवाद आलम को भेजिए, असद शफीक को भेजिए, उनको 3 हफ्ते वहां पर रखिए ताकि पता चले कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप अपने खिलाड़ियों की किस तरह जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी किस तरह जो है उनकी खामियों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन तक तो ऐसा कुछ प्लान हमारे सामने आया नहीं है सिवाय तनख्वाहें देने के, सिवाय कहानियां सुनाने के, और मुझे कुछ सुनने को मिल नहीं रहा। मिसबाह उल हक ये कह देते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरे में जहां टेस्ट सीरीज खेलेंगे वहां सब भी होंगे, वहां फवाद आलम भी होंगे और हम इन्हीं के साथ जाएंगे, तो लगता कि हाँ जी इनके पास कोई प्लान है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो एक बच्चा भी बात कर लेगा 10वीं क्लास का आके कि जी हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं। आप कोई कॉन्क्रीट बात करें ना, ये बात करते हैं कि जी ये जो हमारे फास्ट बॉलर है हम इन्हीं के साथ अगली सीरीज भी खेलेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जैसे गोल वो चिकने खड़े वाली बातें, आपका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि एहतसाब करेंगे, कौन सा एहतसाब भाई, आप अपना एहतसाब करेंगे, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहानी सुना रहा है जी सीजन में एक खिलाड़ी को 32 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कितने खिलाड़ियों को 32 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक तो ऐसा हो नहीं रहा। जो ए कैटेगरी है 1.5 मिलियन का मतलब ये कि 1.5 लाख रुपए खिलाड़ी को मिलेंगे, 1.5 मिलियन इज 15 लाख 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो वो बनते हैं 18 लाख, उसमें से टैक्स भी कटेगा दानिश। और फिर इन्होंने ये किया कि आपकी सालाना फीस बढ़ा दी है और मैच फीस को घटा दिया है, तो अभी सर पता चल जाएगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये है इस वक्त दानिश, आपके बहुत सारे खिलाड़ी साइन करने के लिए क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं है और आपका डोमेस्टिक सीजन सर पे आ रहा है और पिछले सीजन की तरह इस बार भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और बगैर साइन करे हुए खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। नहीं यार भट्टी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं, काफी डिटेल्ड डोमेस्टिक सीजन अनाउंस किया गया है, फर्स्ट क्लास भी है उसके अंदर, नेशनल T20 भी है, PSL के मैचेस भी उसी विंडो में होने वाले हैं, बट प्रॉब्लम वही है ना, और ये इशू हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, पिछले साल भी ये कहा गया था कि नया स्ट्रक्चर आ चुका है, मेरिट पर सिलेक्शन होगी, जितने भी लड़कों ने उसमें परफॉर्म किया हमें नज़र नहीं आया, गायब हो गए। इसी तरह असद शफीक जैसे प्लेयर्स, फवाद आलम जैसे प्लेयर्स अब वापस आएंगे, डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, फिर वो टीम में आ जाएंगे, तो जो परफॉर्मर्स हैं सर उनका क्या कसूर है? हम फिर ये कहकर चुप हो जाते हैं कि नहीं जी गैप ही इतना बड़ा है दोनों में इसलिए हम नहीं खिलाते, वही हैदर अली है जो आकर परफॉर्म कर रहा है despite the gap, but sir, बिल्कुल दानिश, हमारे यहाँ देखे बास तो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड प्लेयर हैं, हैदर अली जब अंडर 19 में गए जी, तो इयन बिशप जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कॉमेंट्री करते हुए कहा कि ये बहुत टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि ये आगे चल के विराट कोहली की तरह का बड़ा बैट्समैन बन सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन क्या हम 1.5 अरब रुपए एक सीज़न पर खर्च करके अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पिछले सीज़न की जो हमने परफॉर्मेंस देखी है उसके मुताबिक तो हमें मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही है, हमारी जो पिचेस की क्वालिटी है वो आप देख लें। नहीं भट्टी साहब मुझे एक जवाब देना, जो टॉप 10 प्लेयर्स थे बैट्समैन की बात कर रहा हूँ उसमें से कितने आपको टीम में नज़र आ गए? कोई नज़र नहीं आया ना सर। मैं दानिश टॉप बैट्समैन जो थे कायद अजम ट्रॉफी के इमरान भट्ट, उनको बल्कि सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर कहते रहे कि उनको होम सीरीज में ड्रेसिंग रूम में तो बिठा दें, इमरान भट्ट अभी सिलेक्ट हो गए थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव आए थे उनको भेज दिया, इमरान भट्ट को किसी ने लिफ्ट नहीं कराया। होता है जी, जो टॉप विकेट टेकर थे नुमान अली, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था, लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को भी किसी ने नहीं, तो आप काशिफ भट्टी को भी तो लेके गए थे पिछले 5-6 सालों से, काशिफ भट्टी टॉप 10 में तो है ही हैं, टॉप 5 में ना भी हो तो, लेकिन आपने कौन सा मैच उनको खिला दिया? आपने तो जरूरत करने पर नहीं खिलाया, बताओ जरा। देखिए दानिश ये तो वो हैं जिन्होंने खेलना था, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, उस्मान खान चिनवारी बगैर खेले आ गए, मोहम्मद हसनैन का पिछले 2 साल में बहुत चर्चा रहा, मोहम्मद हसनैन का है, मोहम्मद हसनैन भी बगैर खेले वापस आ गए, इसी तरह
बताया था। हाँ, मूसा को हमने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमने उसको टेस्ट कैप दे दी। उसके अलावा इमरान खान सीनियर मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर वो अच्छा है तो उसको ग्राउंड में उतारे ना, ग्राउंड में नहीं उतार रहे। तो मतलब सत्तर, एक तो पॉलिटिक्स हमें ड्रेसिंग रूम में और पीसीबी के कॉरिडोर्स में नजर आ रही है, लेकिन सत्तर गज के दायरे के अंदर जहां मैच खेला जाता है वहां जो माहौल है वो भी अनफॉर्चुनेटली कोई आइडियल माहौल नजर नहीं आ रहा हमें। एंड यू नो सिक्को, आई नो दिस अबाउट मिसबाह, वो पहले भी जब डोमेस्टिक खुद खेल रहे थे उन्हें बहुत आवाज उठाई, वीडियोस बनाई कि देखिए यहाँ हालात ये हैं, ड्रेसिंग रूम के हालात ये हैं। मिसबाह नोज एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। मैं चाहती कि मिसबाह, मेरा दिल चाह रहा था कि मिसबाह कल जरा वोकली बोले कल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में, बट आई अंडरस्टैंड वो अब सिस्टम का हिस्सा है तो वो इतना नहीं बोल सकते। मगर एक चीज मैं कहूंगा, नहीं, मिसबाह ने एक बहुत ही बहादुरी वाली बात की है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जी, उन्हें मुझे पीआईए की भी बात की। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ माइंडसेट, इकबाल कासिम ने जो बात कही, इकबाल कासिम तो फारिग हो गए, मिसबाह ने वही बात की, मिसबाह मौजूद है अपनी सीट। नहीं, इसलिए कि उनको थोड़े विचार में तनखा नहीं मिलती। चलिए, अच्छी बात है, सिकंदर आप भी सोच। अच्छा, देखिए, बात करना शुरू हो गए। पार्सन, मैंने पहले बोला था कि अगर ये जितने भी कोचेस अपॉइंट किए गए हैं, अगर ये ईमानदारी के साथ और सिर्फ ईमानदारी के साथ, देखें मैं भी अगर वहाँ खड़ा हूँ, ईमानदारी का मकसद ये होता है कि मैं जिनको समझ रहा हूँ कि अच्छे हैं मैं उनको खिलाऊँ, सिफारिश ना लूँ, फ़ोन कॉल्स ना लूँ, ये इसका भाई है, ये उसका रिश्तेदार है। मेरे पे एक लिस्ट आई हुई है कि जी ये उसका भाई है, फलां एम्पायर का भाई है, ये उन बड़े साहब का भाई है या बेटा है, ये है, वो सब खेल रहे हैं। ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं? हाँ, डोमेस्टिक में। ये बहुत ज़रूरी है, लिस्ट संभाल के रखिएगा, हम डोमेस्टिक में प्रॉपर शो शुरू करने वाले हैं एक आध दिन में। हाँ, मैं आपको दूंगा। हाँ, तो वो जो लिस्टें मेरे पास आ रही हैं कि एक कोई लड़का है, खिलजी नाम है, पता नहीं उसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका नाम ही नहीं है, और बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, वो मैं जमा करता हूँ। मगर जो मैं कह रहा था कि अगर ये सारे लड़के मिलकर ईमानदारी के साथ कि भाई ये लड़के हैं अच्छे हैं, उनको खिलाते हैं और सिलेक्शन करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो हमारे साथ मसला चल रहा है, नंबर वन, कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वक्कार यूनुस अगर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और तनख्वाह लेते रहेंगे तो फिर यहाँ सिलेक्शन कौन करेगा? अब इनका ये जॉब है कि अब वो फारिग हैं, जाएँ मैचेस देखें, वहाँ से लड़कों को पिक करें। और मैं तो क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा, सर आप लोगों ने अननेसेसरी पंगा लेके डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अलग कर दिया। ये सारे जो सिलेक्शन थी ना डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो डिपार्टमेंट के पास जा रही थी, अब वहाँ से हट गई है, आपके सर पर आ गई है और आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट संभाल रहा था, 1.5 अरब रुपया वो पे कर रहा था, हर चीज़ सुकून से थी, आपने सिर्फ मॉनिटर करना था। आपने खामखई एक अपने सर पे एक मुसीबत। और दानिश, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में एक, मैं आपको बहुत अफसोसनाक एक और बात बताऊं कि नेशनल एयरलाइंस पीआईए ने भी अपनी टीम बंद कर दी है। ये वो डिपार्टमेंट है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी खेला करते थे। मैंने सुना है जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सा थे, जो काम को बोला जा रहा है कि आप एयरपोर्ट पे काम करें। इस्लामाबाद, सिकु भाई इस्लामाबाद, एक बंदा कराची में बेस है, 50-60 हज़ार पे तनख्वाह है, वो इस्लामाबाद जाके कैसे नौकरी करेगा? या तो उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि नौकरियां छोड़ के चले जाएं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाके उनको ट्रांसफर करना। जो नया सेटअप है इसमें फर्स्ट 11 भी है, सेकंड 11 भी है, फिर जूनियर लेवल की टीमें भी हैं, उसमें भी फर्स्ट 11 है, सेकंड 11 में है। पिछले साल जो टीमें बनी थी वो कहा गया था कि 3 साल के स्टैट्स हमने जमा किए, उसके बाद हमने ये टीमें तश्कील दी हैं। अब ये टॉपिक पूरा है जो अगले शो के लिए, लेकिन आखिर में आपसे सवाल जरूर कर रहा हूं ताकि हम टीजर छोड़ के जाएं। क्या इस बार टीम सिलेक्शन में पिछले साल की परफॉर्मेंस का ख्याल रखा गया है? प्रमोशंस मिली हैं लोगों को? क्या जो सीनियर लड़के थे 39, 40, 41 साल के, वो अब बाहर हो गए हैं या वो अभी भी टीम में मौजूद हैं? नहीं, हमने फैंस पे सवाल छोड़ दिया, हम आप लोगों से सिलेक्शन उमर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोमेस्टिक की बात हो रही है, डोमेस्टिक की बात हो रही है। बट थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे जो एक्सपर्ट, इतना बड़ा टीजर, हमने आप लोगों पे सवाल छोड़ दिया, बट हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स हमें नेक्स्ट शो में ज्वाइन करेंगे, विल आस्क देम ऑल द इंपॉर्टेंट questions because domestic cricket is something we're looking forward to. Yeah. Well, thank you so much to our experts, Bhatti sahab, aapka, Sikandar and Yaya. Thank you so much for joining us. We'll see you again on Super Sub Special. Mazid khabro aur sports news ke liye dekhte rahiye Jio Super.